मछली दो मछली दो मछली पानी में चैनल और आज घर में होने जा रही है मीटिंग तो जिसके लिए तो फिर हम मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ हाफ रेडी हूँ ओके सो मेवान जा रहा है रेडी होने और फिर आपको मीटिंग में मिलते हैं बाय बाय सो मेवान इज रेडी आर यू रेडी यस 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 इज रेडी आर यू रेडी मेवान यस चलो जल्दी से शूज पहनो और जाओ तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ सो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और मेवांश मेरे लिए वीडियो बना रहा है सो अब हम लोग बस निकलते हैं नीचे जाते हैं सारा अरेंजमेंट देखते हैं क्योंकि लोग आधे एक घंटे में आई थिंक आ जाएंगे रेड बाय लोग हमें लगेंगे मेरी बहू रानी इज रेडी सो लेट्स गो लेट्स रॉक सो गाइस फिर हम नीचे आ गए थे और बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे बहुत सारे लोग थे तो मैं बाहर तो जा ही नहीं पाई क्योंकि इतने सारे लोग थे और मेरे को बहुत अजीब लग रहा था ऐसे कैमरा लेके बाहर जाने के लिए बट बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ सबने खूब इंजॉय किया एंड फाइनली जब खाने की बारी आई तो मैं वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ समोसा लेके बैठ गए थे खाने के लिए एंड ही वाज लाइक इसका भी वीडियो बना दो ये बहुत मेरे व्लॉग्स में आती है अभी शर्मा ने कह रहे पैसे नहीं दिए तो मैं व्लॉग में नहीं आऊंगा तो क्यों फंक्शन बहुत ही अच्छे से हो गया था सबको बहुत मजा आया सबने खूब सारा खाया खूब मस्ती हुई फाइनली हम लोग घर घर के लोग बचे थे तो हम लोग सब कजिन सारी मस्ती कर रहे थे वीडियोस बना रहे थे सब मुझे बोल रहे थे व्लॉग बना रहे हो हमें लो हमें मत लो तो सब मस्ती चल रही थी हमने मछली पानी में गई वाला गेम भी खेला तो मैंने सीखा भी और हमने ट्राई किया वीडियो बनाने का हमारे शॉर्ट्स में आप जाके चेक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो एक मेरी कज़न अपनी वीडियो के स्किल दिखा रही है वो मेरा वीडियो बना रही थी जो बाद में उसने मुझे शेयर किया तो मैंने व्लॉग में उसे डाल दिया है आज मेवांश का स्कूल का लास्ट एग्जाम्स आर ओवर लास्ट टाइम इनको कुछ कुछ रिटर्न गिफ्ट्स मिले हैं जो उन्होंने घर पे आके शेयर करा आओ ये सब क्या मिला है स्टार्ट चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी चढ़ गई नहीं चढ़ पाई फेल हो गई लैंड अच्छा कर रही है ऊपर से नीचे तो लैंड कर जाती है फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए मेवांश की मस्ती चल रही थी हम लोग यहाँ पे कार रेसिंग गेम खेल रहे थे मस्ती कर रहे थे बिकॉज फाइनली ही इज फ्री अब छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं तो अब इसको कुछ ना कुछ मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा एक्टिविटीज में तो ये हम सब मस्ती कर रहे थे अरे वाह जा तो रही है जा रही है जा रही है ओ फाइनली अरे वाह ये तो पहुंच गई ऊपर गुड वर्क वाओ हाउ इज द टेस्ट यमी 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 देखो मैं भी खाऊं यमी बॉल थोड़ी ना निकलेगी चॉकलेट है वो पूरा तो खा गए मुंह उसका फेस खत्म हो गया बॉडी बचा है खा लो आ गए हम अपने खेत की तरफ अपने आलू का हाल देखने आपने वैसी किया तो वैसी करो गाइस मैंने 2 महीने पहले जैसे आपको पता है कि आलू उगाए थे कुछ कुछ सब्जियां भी उगाई थी लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी बीच में तो इसलिए मेरी सारी सब्जियां तो खराब होगी लेकिन आलू लगे हुए हैं तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि क्या इसमें आलू निकला है कि नहीं
लुका ना, मैंने पहली बार ही पेड़ लगाया है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कितने टाइम पे निकलता है। तो हम लोग गूगल करके देख रहे थे, उसमें था कि 2-3 महीने में ऐसे आलू निकल आते हैं। तो मैं देख रही हूँ पेड़ तो काफी बड़ा हो गया, तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि शायद इसमें कुछ आलू निकला है कि नहीं निकला है, देखते हैं। बट मुझे इस साइड तो कोई भी आलू निकला हुआ दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसको वापस ही लगा दिया। मैं सोचा कि मेरा पेड़ ना खराब करते हैं, वापस लगा देते हैं। मैं वहां तब तक लिए वीडियो बना रहा था। मैं सोच रही थी कि पीछे वाले साइड, क्योंकि ये वाले साइड ना मैंने थोड़े टाइम पहले लगाया था, मतलब थोड़े टाइम 1-1.5 महीना हुआ है, और जो आगे वाली साइड ये पेड़ है वो मैंने और भी पहले लगाया था। तो मैंने सोचा कि इस तरफ तो नहीं निकले तो आगे वाली साइड ट्राई करते हैं। तो हम लोग थोड़ा हमारा दिमाग लगा रहे थे कि और होप कर रहे थे कहीं आलू आलू निकल जाए, दिख जाए तो अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पर और भी सारी वेजिटेबल्स लगाने वाली हूँ, क्योंकि अब आई थिंक इतनी बारिश होगी नहीं, तो मैं आगे वाली साइड पे यहाँ पे ट्राई करती हूँ। यहाँ मुझे एक आलू दिखता है गाइस, तो आप देखो एक छोटू सा आलू निकला है, बहुत ही छोटा था, उसको निकाल दिया था तो मुझे निकालना ही पड़ा। बट मुझे इस तरफ एक छोटा सा आलू दिखता है और इतनी खुशी हुई ना फर्स्ट आलू देख के। तो मुझे जैसे ही आलू दिखता है ना, मैं मेवांश को बोलने लगती हूँ, मेवांश इसको जूम करो और दिखाओ कि मेरा कैसा आलू निकल रहा है यहाँ से, देखो आपको। तो फिर मैंने काफ़ी ट्राई किया पर उससे हो नहीं पा रहा था, तो मुझे कैमरा लेना पड़ा जूम इन करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये देखो छोटा सा इतना क्यूट सा आलू निकला है ना। तो और भी निकले पर अभी हमने उसको छोड़ दिया, बाकी प्लांट्स को हमने नहीं छुआ, ताकि थोड़े 1 महीने बाद हम देखेंगे कि इसमें से आलू कितने बड़े बड़े निकलते हैं क्या है। पर फिलहाल के लिए सिर्फ मैंने एक छोटू सा आलू निकाला। सो गाइज ये है इतना क्यूट सा छोटू सा आलू मैंने निकाल लिया, घर में सबको दिखाया और सबको बड़ा ही अच्छा लगा था कि वाओ हमारे खेत में आलू निकला है। सो इस क्यूट से आलू के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं गाइज। 10 डेज ब्लॉग चैलेंज है कि 10 डेज तक कंटिन्यूशन में ब्लॉग आएगा। प्लीज आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप भी अपने घर में इस तरह से पेड़ लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, अगर आपके पास जगह है तो आप भी उगाओ, खाओ, खिलाओ सबको। एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।